हम अपने सिंगापुर सिटी टूर की शुरुआत करते हैं चाइना टाउन से। चाइना टाउन MRT स्टेशन के बाहर आते ही आपको दिखेगा ये पगोड़ा स्ट्रीट जो है चाइना टाउन की एंट्रेंस। ये वो जगह है जहाँ सिंगापुर का दिल और उसकी रिच हिस्ट्री देखने को मिलती है। यहाँ की गलियाँ, बाजार और मंदिरें आपको एक अलग दुनिया में ले जाती हैं। चाइना टाउन जैसे अपने वाइब्रेंट कल्चर और डिलीशियस खाने के लिए जाना जाता है, एक यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एग्जाम्पल है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको एंशियंट टेम्पल्स, कलरफुल मार्केट और ऑथेंटिक चाइनीज क्यूजीन मिलेगी। यह जगह नॉट जस्ट एक मार्केट प्लेस है बल्कि कल्चरल एक्सपीरियंस का भी एक एहसास है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं चाइना टाउन सिंगापुर को, जहाँ हर कोना कह रहा है कुछ अपनी कहानी। इसका नाम लिटिल चाइना लिखा। चाइना टाउन हर कंट्री में, इंडिया को छोड़ के थाईलैंड में भी था, मलेशिया में भी है। चाइना टाउन में आपको सुवेनियर, कपड़े और किचन वगैरह थोड़े रीजनेबल मिल जाएंगे, जो आप अपने घर के लिए ले जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो ये बिल्कुल लिटिल चाइना लग रहा है मेरे को, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं चाइना में आ गई हूँ। तो हम लोग यहाँ पे हम अभी ले नहीं रहे, बुजी वहाँ जाके भी देखेंगे। और ये सिर्फ 2-3 सेशन दूर है, तो हम वापस यहाँ आ सकते हैं अगर वहाँ पे रीजनेबल मिला है। यहाँ अकॉर्डिंगली कंपेयर कर रहे हैं, अभी तो बस हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। $1.60 में सही है ना? हाँ, मैं ये 250 रुपये का परचेज किया मैंने, और ये यहाँ 60 रुपये डॉलर का था, मेरे को वहाँ पे भी 250 रुपये का दे रहे थे। फाइनली कुछ बहुत ढूंढने के बाद हमें अपने लायक यहाँ पे एक शॉप मिली, जिसमें हमने अपने लिए फैशन एक्सेसरीज देखी जो थोड़ी रीजनेबल भी थी। और यहाँ पेमेंट करने के बाद हम निकल गए चाइना टाउन को और एक्सप्लोर करने। स्टडी कैफे मैक्सी कैसा है चाइना टाउन में है। इट्स मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस इन सिंगापुर। हेलो, यहाँ पे टूर फोटोशूट हो रहा है, यू कैन ऑल्सो बुक। चाइना टाउन में हमें मिला एक हिंदू टेम्पल जो कि है मरियमन टेम्पल। ये बहुत ही फेमस टेम्पल चाइना टाउन के टेम्पल स्ट्रीट पर है। आरती वारती वो सब हो रही है, अभिषेक हो रहा है, जल स्नान करा रहे हैं। मंदिर के बाहर शॉप, यहाँ
इसको एक्सप्लोर करने के बाद हम चले बुजीज, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। तो चाइना टाउन को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए हैं बुजी स्ट्रीट, बुजी मार्केट। थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर करते हैं, खरीदते हैं कुछ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, सुबह फ्रेंड्स के लिए। तो बुजी में भी हमें अपना फेवरेट ऑरेंज जूस का कियोस्क मिल गया है, हम यहाँ ले फ्रेश ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस मजेदार। ये एक ऐसी जगह है जो आपको सिंगापुर की मॉडर्न और हिप वाइब में ले जाता है, बुजी स्ट्रीट, जो शॉपिंग और स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है। यह एक वाइब्रेंट कल्चर हब भी है। यहाँ आपको मिलेगी फैशन, एक्सेसरीज और यूनिक आइटम का एक बड़ा कलेक्शन। यहाँ पर एक बुजीज जंक्शन शॉपिंग मॉल भी है, जहाँ आपको ब्रांडेड स्टोर और रेस्टोरेंट मिलेंगे। यह जगह साउथ कल्चर, आर्ट और एंटरटेनमेंट का एक मेल्टिंग पॉट है। बुजीज दिन और रात दोनों में एक ही अलग मज़ा देता है। ये फैशन स्ट्रीट है, यहाँ पे कपड़े की वैरायटी बहुत है। चाइना टाउन में कपड़े नहीं देते। ग्राउंड फ्लोर पर मोस्टली सुवीनियर, क्लोथ्स एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेगी और भी कपड़ों और एक्सेसरीज की डिफरेंट वैरायटीज। $5 ये $5 की टी शर्ट है, पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो हमें ब्रांडेड उसमें मिलती है। 300 रुपए की ऑलमोस्ट, बड़ी अच्छी क्वालिटी में है। और लड़कियों को ये हर जगह, ये तो एक ट्रेंड है कि लड़कियों के कपड़े मिलेंगे। क्योंकि लड़कियां ज्यादा पहनती। क्यों लड़कियां नहीं पहनते? लड़के की मुझे एक ही शॉप दिखी थी नीचे, बॉय नीचे, यही ना। और सेकंड फ्लोर पर आपको मिलेंगे बहुत सारे ब्यूटी सैलून्स। पूरा मॉल एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली हम ग्राउंड फ्लोर पर आके हमने कुछ खरीदे सुवेनियर्स अपने घर वालों और फ्रेंड्स के लिए। मैग्नेट प्लस एक शॉप से जिसमें सब बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल थी। कोमल, बुजी में कैसा रहा एक्सपीरियंस? बुजी हमें चाइना टाउन से ज़्यादा महंगी लगी। हमें वहाँ पे जो $2 में मिल रहा था वो यहाँ $2.5 or $3 में मिल रहा था, तो हमने फिर भी ले लिया क्योंकि अभी हमारे पास जाने का टाइम नहीं है, फिर प्लस हमें आने जाने में उतना सेम प्राइस लगेगा, तो बेटर है हमने इसलिए यहीं से परचेज कर लिया $2.5 or $3। और एक और बात, शायद वहाँ पे बार्गेनिंग हो जाती पर यहाँ तो नहीं हो रही। ट्राई किया है लेकिन क्योंकि सब चीज स्कैन करते हैं, जो भी आप ले रहे हो तो बार्गेन इज नॉट पॉसिबल। हमने ट्राई किया बार्गेनिंग करना तो हुआ नहीं। दो तीन शॉप से पूछा तो उन्होंने सामने मना कर दिया। सबसे अच्छी बार्गेनिंग हमने वहाँ पे थाईलैंड में की थी, बैंकॉक में गई थी। शॉप है लिटिल इंडिया, जहाँ हमें दिखेगी इंडिया की लिटिल झलक।
हम वहाँ करेंगे अपना लंच, लंच आप देखेंगे वहाँ भी कुछ शॉपिंग करने लायक है या नहीं, सो दिखाते हैं आपको भी कि क्या स्पेशल है लिटिल इंडिया में, क्यों इसको बोलते हैं लिटिल इंडिया। हम पहुँच गए हैं लिटिल इंडिया, हम यहाँ पहले करेंगे पेट पूजा, बहुत भूख लग रही है, फिर हम करेंगे एक्सप्लोर। आप यहाँ देख सकते हैं दिवाली का इधर वो दिखाना, हाँ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ सजावट हो रखी है दिवाली की। यह एक जगह है जहां सिंगापुर की गलियां भारतीय रंगों में रंगी हैं। यहां के बाजार में घूमते हुए आपको असली भारतीय खुशबू, रंग और स्वाद का अनुभव होगा। लिटिल इंडिया में आपको मिलेगी भारतीय संस्कृति की एक छोटी सी झलक, जहां के हर एक कोना अपनी कहानी सुना रहा है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं लिटिल इंडिया, जहाँ सिंगापुर का एक ही अलग ही स्वाद और सांस्कृतिक अनुभव मिलता है। इंडिया वाली फीलिंग आ रही है, क्या आप देख सकते हैं सामने फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्ट है लगा हुआ है, घर भी थोड़ा इंडियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, अच्छे लोग बैठे हैं, जैसे कहीं हम आर्ट ऐसे दिखे कहीं भी बैठ जाते हैं हमारे यहाँ जेंट्स, कहीं पर दिखे पुलिस नहीं होते हैं, लोग फोटो सेशन कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल, फाइनली हमें मिला अपने पसंद का रेस्टोरेंट जहां पर हमने लंच किया। हमें जल्दी कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, क्योंकि यहाँ मोस्टली साउथ इंडियन कम्युनिटी ही बसी हुई है लिटिल इंडिया में, तो हमें साउथ इंडियन रेस्टोरेंट तो मिल गया एक, और हमने वहाँ पे खाना भी खा लिया। क्या खाया कोमल हमने? हमने वहाँ पे वेज थाली खाई, वो भी पेट भर के $6 में, जिसमें चावल, दही, पापड़, रायता, सब्जी और गोभी मंचूरियन था स्टार्टर्स, लेकिन बहुत ही न्यूट्रिशियस और डिलीशियस था। तो मोस्टली नॉन वेज ही था हम वहाँ पे, लेकिन लकीली हमें वेज थाली मिल गई, लेकिन हमारा डोसा खाने का मन था वो ख़त्म हो चुका था, हाँ क्योंकि यहाँ सब मेनली ब्रेकफास्ट में डोसा खाते हैं, तो हमें डोसा नहीं मिला, तो हमें बस वेज में से वेज मील ही मिला जो हमने खाया। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, पेट भर के हमने इतने दिनों में यहाँ पे खाया है। नहीं तो नॉर्मल थोड़ा थोड़ा जो मिल जाता था वो खा के पेट भर लेते थे, हाँ क्योंकि ऑप्शंस कम होते हैं वेजिटेरियंस के लिए इसलिए। लेकिन लिटिल इंडिया में अगर आप स्टे कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप पेट भर के हर मील खा सकते हैं। अब हम आ गए हैं क्लार्क की, बोलते हैं कि नाइट लाइफ बहुत अच्छी है सिंगापुर, लेट्स एक्सप्लोर क्या चल रहा है क्लार्क की। दिस इज़ द नाइट लाइफ ऑफ सिंगापुर, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, इट्स क्वाइट हैपनिंग राइट कोमल, लग तो काफ़ी अच्छा रहा है। दिस इज सेंट्रल मॉल, क्लार्क की सेंट्रल, जैसे हमारे पुणे सेंट्रल है और काफ़ी जगह सेंट्रल है, वैसे यहीं पे क्लार्क की सेंट्रल है, ऐसे ही बैठे हैं लोग यहाँ आराम से ऐसे ही बैठ के चिल कर रहे हैं। यह एक ऐसा वाटरफ्रंट एरिया है जो सिंगापुर की नाइट लाइफ का एपिसेंटर है। यहाँ एक एटमॉस्फेयर है लाइवली और एनर्जेटिक, जिसे देखकर आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्लार्क की का रिवर फ्रंट, जिसे नाइट लाइट्स और कलरफुल रिफ्लेक्शन से सजाया गया है, एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स, बार्स और क्लब्स आपको क्लूनरी डिलाइट्स और एंटरटेनमेंट का एक यूनिक ब्लेंड दिखाते हैं। रिवर क्रूज करके या किसी वाटरफ्रंट रेस्टोरेंट बैठकर आप यहाँ की सीनिक ब्यूटी और सिटी लाइट्स का आनंद ले सकते हैं। क्लार्क की,
जहाँ मॉडर्निटी, एंटरटेनमेंट और नेचुरल ब्यूटी एक साथ आती है, वो भी एक मस्ट विजिट स्पॉट है फॉर एवरी एक्सप्लोरर इन सिंगापुर। कैफे गुआना इटालियन रेस्टोरेंट, जंबो सी फूड रेस्टोरेंट, यहाँ यूरोपियन पैन एशियन सभी रेस्टोरेंट्स हैं। वी आर लुकिंग कि कोई इंडियन भी मिल जाए हमारे लिए और वेज। हमें यहाँ एक गब्बर नाम का इंडियन रेस्टोरेंट तो मिला, लेकिन इतनी ज़्यादा वेटिंग थी कि हमने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा। लेकिन जाने से पहले हमने देखा किसी को बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस करते हुए रिवर साइड, सो आप भी देखें और थ्रिल एक्सपीरियंस करें।